उस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार की। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। जी हां, 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जीतन राम मांझी के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं कि कार्यकाल को विस्तारित करने से पंचायत स्तर पर कोरोना प्रबंध के साथ साथ विकास कार्यों का बेहतर समन्वय के साथ क्रियान्वयन हो सके। वहीं बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होना था, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो सका है। अभी अगली सूचना तक इसे स्थगित कर दिया गया है। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा, कई बार आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया गया। कोरोना के आपात संकट को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्रामीण इलाकों का विकास कार्य चलता रहे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।